हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रिया खंडेलवाल प्रिया संघ पूजन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। शिव जी पर जल कैसे चढ़ाएं? बहुत सारे लोग शिव जी पर जल तो चढ़ाते हैं लेकिन जल चढ़ाने का सही तरीका नहीं पता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं जल कैसे चढ़ाया जाता है। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। शिव जी पर कभी भी जल तेजी से नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी पर जब भी जल चढ़ाएं तो धारा बनाकर ही चढ़ाएं, क्योंकि पुराणों में लिखा हुआ है कि शिव जी को धारा अति प्रिय है। अब शिव जी पर जल किस ओर खड़े होकर चढ़ाना है? शिव जी पर जल जलाधारी के पीछे ही खड़े होकर चढ़ाना होता है। जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर की ओर होता है और हमें भी उत्तर की ओर मुख करके ही जल चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जलाधारी के दाहिनी तरफ, फिर बाएं तरफ। दाहिनी तरफ गणेश जी का स्थान होता है, बाएं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है, और जो गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच का स्थान होता है वह अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर जल चढ़ाएं। फिर शिवलिंग के गोलाकार आकृति माँ पार्वती का हस्त कमल होता है, वहां पर जल चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें, जलाधारी यदि है तो उसमें जल चढ़ाएं। फिर नंदी बाबा पे जल चढ़ाएं और जब जाते समय चौखट पर दो बूंद जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल घर अवश्य लेकर के जाएं। यह है जल चढ़ाने का सही तरीका। अब हमें शिव जी पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? हमें शिव जी पर तुलसी का पत्ता कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, नारियल तो चढ़ता है लेकिन नारियल पानी से हमें कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए, शंख से हमें कभी भी शिव जी पर अभिषेक नहीं करना चाहिए, और सिंदूर कभी भी हमें शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए, हल्दी हमें शिव जी पर कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।